नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है नीलेश कुमार। उन्होंने एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, सर हेनरी के नियम पर एक वीडियो क्रिएट कीजिए। दोस्तों आइए, दोस्तों उनकी कमेंट को हम शानदार तरीके से पूरा करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि हेनरी के नियम को समझना सीधा माइंड में ठोकेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बढ़िया से मैं बताऊंगा। आज के बाद ये मत कहिएगा कि हेनरी का नियम समझ में नहीं आता है, पूरा परिभाषा के साथ में बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, और हाँ, चैनल पे नए आए हुए ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद ही अगर आपको अच्छा लगे ना तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना डिसलाइक ठोक करके चले जाइएगा। क्योंकि जब हमारा नोटिफिकेशन जाएगा ना तो आपका मोबाइल थर थर कांपेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, जैसे कि हेनरी का नियम है, हेनरी के नियम के अनुसार मैं आपको बात करता हूं अकॉर्डिंग उसके। जैसे कोई द्रव है और उस द्रव में गैस कैसे घुलता है उस पर एक नियम दिया जिन्हें हम हेनरी का नियम कहते हैं, लेकिन इसको परिभाषा के रूप में हम अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों हम बोर्ड पर लिख करके आपको बताते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि हेनरी के नियम की परिभाषा पढ़ करके, और मैं जब पढ़ूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने के बाद जब मैं समझाऊंगा ना बिल्कुल गोली की रफ्तार से सीधा दिमाग में जाएगा। जी हाँ, संभालना आपका काम है। देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, और मैं इसको आप बारीकी से समझाता हूं। देखिए लिखा गया स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर इसका मतलब समझिए, स्थिर ताप कहे या नियत ताप कहे, इसका मतलब यही हुआ कि स्थिर ताप यानी नियत टेम्परेचर, इसका मतलब यही हुआ कि नियत टेम्परेचर कोई ना कोई तापमान है और वह नियत होना चाहिए यानी निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, अब देखिए गैस है और कोई गैस और द्रव में क्या, विलयता का मतलब घुला हुआ, यानी कोई गैस द्रव में क्या है, घुला हुआ है, तो गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब कहा जा रहा है कि गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती कहिए या अक्रमानुपाती कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन समानुपाती और अक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है मैं आपको बारीकी से समझाता हूं, जरा गौर से सुनिए। देखिए समानुपाती का मतलब यह हुआ कि एक चीज ज्यों ही बढ़ाओ दूसरा चीज उतना ही बढ़ जाए, और एक चीज जितना घटाओ दूसरा चीज भी उतना घटेगा, यह हुआ समानुपाती का मतलब। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये क्या हुआ, बीकर हुआ, मान लेते हैं ये हमारे पास बीकर है और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल H2O। ओके, ये बीकर है हमारे पास और इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो बीकर भरा हुआ है तो O2, देखिए ऑक्सीजन, और देखिए ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को क्या करना है, जल में घुलाना है। तो देखिए जब हम ऑक्सीजन को जितना दाबेंगे इस बीकर के अंदर उतना अच्छा से मिलेगा, और कम दाबेंगे तो कम अच्छा से मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ समानुपाती का मतलब कि एक चीज जितना हम तेजी से डालेंगे दूसरा चीज उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तो अगर हम ऑक्सीजन को जितना दबाएंगे उतना ही क्या होगा, इस जल में ऑक्सीजन मिलेगा। अब आप कहोगे क्या सर, आप ऑक्सीजन को हाथ से पकड़ के बीकर में डालिएगा क्या, नहीं। आप उदाहरण के लिए हम समझाते हैं, एक अच्छे से बीकर बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं ये बीकर है, पहले से इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। और देखिए इस जल में जब भरा हुआ है, देखिए यहां से गौर से हम बना रहे हैं, ओके, अब बताइए फ्रेंड्स कि अगर आपसे कहा जाए कि जहां आप वीडियो देख रहे हैं, जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या यहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, है उपस्थित। तो ये जो बीकर देख रहे हैं, ये बीकर के नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर क्या है, इस उसके ऊपर क्या ऑक्सीजन नहीं है, है रहता है क्या, इसके अंदर अंदर ऑक्सीजन नहीं है, खुला हुआ है बाहर से और अंदर में जैसे पानी है, और यहाँ क्या ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन है। तो देखिए इसके अंदर किसी पदार्थ से अगर जितना दबाएंगे अंदर ना, तो अगर जितना दबाएंगे उतना अच्छा से ऑक्सीजन क्या होगा, द्रव में घुलेगा, और जितना कम दबाएंगे उतना कम अच्छा से ऑक्सीजन द्रव में घूमेगा, मतलब घुलेगा। तो वही तो हुआ समानुपाती कि एक चीज को जितना दबा दूसरा चीज उतना ही अच्छा से मिलेगा, समानुपाती का मतलब यह हुआ कि एक चीज जितना बढ़ा दूसरा चीज भी उतना ही बढ़ेगा।
समझ में आ गई बात। अब दोस्तों हम बताते हैं इसको गणितीय निरूपण में। देखिए अब इसको गणितीय निरूपण में ऐसे लिखेंगे कि कहा जा रहा है क्या कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, यहां से देखिए किसी यानी गैस की द्रव में विलेयता। अब देखिए जो गैस जो है द्रव में घुलता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एम से सूचित करते हैं। और क्या कर रहा है किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हम ऐसे लगा देंगे ओके। और गैस के दाब यानी प्रेशर, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, ये हुआ एम समानुपाती पी। इस परिभाषा को ये फाइंड आउट किया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए एम है तो एम लिखिए और जो ही समानुपाती हटेगा तो इस पी में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यही जो नियम आया याद रखिए एम है तो एम समानुपाती जब ही हटेगा तो पी से के में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो नियम आ गया यही हेनरी का नियम है। जी हाँ माइंड में आ गई ये बात समझ में, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। अब बात करते हैं कि हेनरी के नियम का जो उदाहरण कुछ बता दीजिए। तो उदाहरण में जैसे कोका कोला पीते हैं, थम्सअप पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं ना, ये सब क्या है हेनरी के नियम का उदाहरण है। क्योंकि कोका कोला स्प्राइट थम्सअप उस सब में भी क्या है ऑक्सीजन घुला होता है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप कोका कोला ले लीजिए उसको हिलाइए खूब और उसको खोलिए तो क्या होगा फटाक से वो जो पानी होगा ना लिक्विड ना वो बाहर निकलेगा, गैस बाहर निकल जाता है क्योंकि उसमें गैस भरा रहता है इसलिए निकल जाता है। तो ये सब है हेनरी के नियम का उदाहरण। तो उम्मीद करता हूं कि आज की दी गई जानकारी से आप काफी खुश होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आपका भाई मोटिवेट हो जाए। अब बात आती है जिन लोगों का कमेंट मैं नहीं ले पाता हूं उनके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, क्योंकि यार मैं भी स्टूडेंट हूं और समय जैसे मिलता है मैं बना देता हूं। सभी के कमेंट का रिप्लाई देना हमारे लिए असंभव हो जाता है क्योंकि भर दिन में समझिए तो एक दिन में 400-500 कमेंट आ जाते हैं, तो सभी को देना थोड़ा क्या है ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।